किताब दूसरी पाठ दूजा चलाक लोकां तो बचो। विद्यार्थियों नू चलाक लोकां तो सुचेत रहन अते हर कम सोच विचार के करन दी प्रेरणा देनी। राजे दे सोण वाले कमरे विच एक चिट्टी जूं रहिंदी सी। एक दा राजे दा सुंदर महल, दूजा राजे दा स्वादी खून, जूं नू पला होर की चाहिदा सी। किसे तरीके उस कमरे विच किते खटमल आ पहुंचिया। जूं ने ज्यों ही खटमल नू राजे दे पलंग च वड़दिया वेख्या तां उह बोली, ओ भरावा, तू राजे दे कमरे विच कित्थों वड़ आया है? नवा पंगा खड़ा करेंगा। खटमल तां बस जूं वल देखी ही गया, बोलिया कुछ भी नहीं। जूं ने फिर कहा, किते राजे नू पता चल गया तां साडी दोहां दी फिर खैर नहीं, इस लई तू इत्थों छेती देने चला जा। खटमल बड़ा चलाक सी, उसने हाथ जोड़े अते चलाकी नाल बोलिया, भैणे, मैं अज तक बड़े छोटे वड्डे इंसाना दा खून पीता है। किसे दा खट्टा हुंदा है, किसे दा मिठा, किसे दा कौड़ा। आज तीक मैं किसे राजे दा खून नहीं चख्या। जे तू कहे तां कुछ दिनां लई मैं तेरा मेहमान बन जावां ते राजे दे खून नू चख के देखां। चिट्टी जूं खटमल दियां चिकनियां चोपड़ियां गल्लां विच आ गई। कहन लगी, देख भरावा, मैं तां राजे दा खून बड़े ही प्यार नाल चूसदी आं। इन्ने प्यार नाल कि राजे नू पता ही नहीं लगदा। तू ही बड़े सलीके तो कम लई। भैणे, तू चिंता ना कर, मैं राजे दा खून उस समय पीना शुरू करूंगा जद तू पी लेंगी, खटमल ने कहा। ओ दोवें गल्लां कर ही रहे सन कि राजा अपने कमरे विच आ गया। ज्यों ही राजा पलंग ते बैठा, खटमल दे मुंह विच पानी भर आया। उसने राजे नू कट लिया, लगा खून चूसन। ज्यों ही राजे नू खटमल ने दंदी वड्डी, राजा तड़प के पलंग तो उठ खड़ा होया। चीखदा होया राजा बोलिया, इस पलंग च जां जूं है जां खटमल, मैनू पूरी तरह कट्टिया है। राजे दे नौकर राजे दे बोल सुन के भज्जे आए, उना पलंग तो बिस्तरा चुकिया अते लगे देखण। खटमल तां बड़ा चुस्त सी, उह इकदम लकड़ी दी त्रेड़ च फड़ गया। जूं तां झट नौकरां दे नज़री चढ़ गई। फेर की सी, जूं नूं फड़ के नौं ते रख के इक नौकर ने उसदा पटाका वजा दित्ता। जूं तां जिंदगी तो हथ धो गई अते चलाक खटमल बच गया। सियाणे तां ही कहिंदे ने, चलाक लोकां तो बच के रहना चाहीदा। चलाक लोकां तो ही बंदा धोखे नाल मारिया वी जांदा, जिवें खटमल ने जूनू मरवा दित्ता।